वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट शॉप गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे, आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए कुछ बातें बताई हुई है कि पुरुषों को कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। पुरुष के कई रूप होते हैं। पुरुष एक पिता के रूप में होता है, भाई के रूप में होता है, बाप के रूप में भी हो सकता है, बेटे के रूप में हो सकता है, पति के रूप में हो सकता है। तो पुरुषों के लिए एक बात चाणक्य ने बताई हुई है, एक श्लोक उन्होंने दिया हुआ है कि पुरुषों को कभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसी बातें शेयर करेगा तो उसे आने वाले समय में उसका भयंकर दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ सकता है। तो ये चाणक्य द्वारा दिया गया मैसेज है जो डेडिकेटेड है हर एक मेल को, हर एक पुरुष को, हर एक लड़के को। तो चाणक्य बताते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च निच वाक्यम चापना मणिमान प्रकाशयेत। चाणक्य बताते हैं कि पुरुषों को सबसे पहली बात जो कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए वो है धन की हानि। अगर आपके परिवार में आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही हो या आपको धन से रिलेटेड को नुकसान हुआ हो, बिजनेस के रिलेटेड को नुकसान हुआ हो, जॉब के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको धन की कोई हानि हुई हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो इसके बारे में कभी भी किसी से बताए नहीं, क्योंकि ये आपकी कमजोरी बन सकता है। अभी इस पर सोचने के दो पहलू हैं। अगर आप किसी को भी धन के बारे में बताएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ रही है उसके बारे में बताएंगे, तो चाणक्य कहते हैं कि समाज के अंदर गरीब आदमी को जल्दी से कोई धन की बाबत में कोई उनको मदद नहीं करता है। तो आपको अगर मदद चाहिए तो आपको मदद नहीं मिलेगी। दूसरा इसका पहलू चाणक्य ये बताते हैं कि अगर आप धन के मामले में किसी से कुछ भी शेयर करते हैं कि आपके पास कितना धन है, या तो आपको धन की आपको हानि हो रही है, तो उसके फायदे उठाने वाले भी समाज में बहुत लोग होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सके। तो इसलिए चाणक्य कहते हैं धन से संबंधी कोई भी बात कभी भी किसी से शेयर ना करें, चाहे वो धन से रिलेटेड फिर कुछ भी हो। दूसरा चाणक्य बताते हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसा संताप या दुख की भावना चल रही है जो आप किसी को भी बता नहीं सकते, तो ऐसी बात को सही में किसी से ना बताएं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी बात का अगर आप किसी को बताएं जो आपके लिए दुख और संताप की बात हो, लेकिन दूसरों के लिए अगर वो मजाक की बात बन गई तो आपके लिए यह बहुत ही मुसीबत बना सकता है, आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। तो इसे जब तक भी हो सके दुख की बात अपने मन में ही लगा रखे, उसका सॉल्यूशन आप खुद ढूंढे। अगर आपको बताना है तो किसी ऐसे विश्वासु को बताएं जो आपके खिलाफ कभी भी ना जा सके। फिर चाणक्य बताते हैं, उसके बाद चाणक्य ने कहा है, अपने घर की बात, अपने पत्नी का चरित्र, अपने गृह के अंदर आपके घर में होने वाले झगड़े कलेश, उसके बारे में कभी भी किसी को भी ना बताए। घर की बात घर में ही रहने दे। तो पत्नी के चरित्र, घर में होने वाले झगड़े, ये सारी बातें कभी भी समाज के अंदर आप शेयर ना करें। अगर आप करेंगे तो इसका फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, चाणक्य ने ये कहा हुआ है। आखिर में चाणक्य बताते हैं कि अगर आपका अपमान भूतकाल में किसी भी नीच व्यक्ति ने किया है, आपका अपमान किसी भी मनुष्य ने बुरी तरीके से अगर किया हुआ है, तो ये बात आप कभी भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आप आगे भी इसमें मजाक के पात्र बन सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। तो पुरुषों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर उसको सुखी रहना है तो, चाणक्य के अनुसार। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।